हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जो कि 5 वीक्स एंड 2 डेज पर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे आप लोगों के लिए उस टाइप की वीडियोज़ बना सकूँ। और कोई भी क्वेश्चंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, जो अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरी लास्ट जो LMP थी वो 10th of August थी, और मेच्योरिटी बाय LMP मतलब कि जो LMP के अकॉर्डिंग बेबी की एज होनी चाहिए थी वो 6 वीक्स एंड 2 डेज पर होनी चाहिए थी। बट जो मेच्योरिटी आई थी स्कैन कराने पर वो 5 वीक्स एंड 2 डेज की आई थी। इसका मतलब कि बेबी की जो एज है वो 5 वीक्स एंड 2 डेज की थी बाय स्कैन। तो यहाँ पर मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी और मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी, डॉक्टर ने बताया तब। बट हाँ, मोस्टली 5 वीक्स के बाद ही आपकी बेबी की हार्ट बीट आती है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चा बना नहीं होता है। और 8th वीक तक आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आराम से आ जाती है। तो उस टाइम पे देखिए, इस टाइप की मुझे रिपोर्ट मिली गई थी, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि यॉर्क सैक नॉट विजुअलाइज्ड, मतलब कि दिख नहीं रहा था यॉर्क सैक। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये जो होता है आपका बेबी इसके अंदर होता है तो ये नहीं दिख रहा है क्लियरली, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको थोड़े दिन बाद आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना होगा, देन उसके बाद आपको क्लियरली सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और बेबी की हार्ट बीट भी आ जाएगी। बट मोस्टली ऐसे 50-50% चांसेस होते हैं हार्ट बीट आए या नहीं आए, तो वो 50% के चांसेस में मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी। बट फिर भी मेरे साथ अच्छा ही हुआ। जो भी हुआ मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, मुझे POD की प्रॉब्लम है, PCOD की, तो वो क्लियरली आया था। इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड, ये अच्छी बात होती है। देन उसके बाद यहाँ पे 12 mm की कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 वीक्स एंड 2 डेज, मतलब कि जो उसका राउंड अप का जो डायमीटर होता है वो 12 mm का था, और जो मेरी EDD थी एस्टिमेटेड ड्यू डेट वो 23rd of May की थी। ये हर अल्ट्रासाउंड में चेंज होती रहती है, आपको लास्ट के अल्ट्रासाउंड तक आपको वेट ही करना होता है, क्योंकि ये क्लियरली नहीं आती है, क्योंकि जिस टाइम पर स्कैन होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको EDD दिखाई जाती है। तो यहाँ देखिए, मेरी 5 वीक्स एंड 2 डेज की प्रेगनेंसी थी और मुझे बोला गया था कि फॉलो अप USG आफ्टर 2 और 3 वीक्स लेटर, मतलब मुझे 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं। तो ये मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि इस तरीके से मुझे अल्ट्रासाउंड की इमेज दी गई थी, जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता है आपको। मैं थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ, ब्लर हो रहा है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट मिली जाती है जिसमें हमें सच में कुछ समझ नहीं आता है। बट हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और आपके बेबी की जो एज है उसके अकॉर्डिंग हार्ट बीट नहीं आई है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी 8th वीक तक आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराइए, वो आराम से हार्ट बीट आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी, आई नो कि हो जाती है, बट फिर भी। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।